दस न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम दुर्गा मैडम जी के घर पे मुझे यहाँ पर आज सिल्वर मेडल जो जूडो में जीते हुए हैं आज मैडम उनका स्वागत हो रहा है उनके घर के पास और एक भारत के लिए शान एक नाम किया उन्होंने आज मैडम ने। और आज बहुत ही 2014 से पहले का जो रिजल्ट था आज 2022 का जो रिजल्ट है और ज़मीन और आसमान का फर्क हुआ है जहाँ पर बच्चों ने अपनी मेहनत के साथ जो देश के साथ जो नाम रोशन किया है एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने वाला पूरे वर्ल्ड में जो नाम रोशन किया बच्चों ने आज पूरा देश उनके सामने गौरव कर रहा है। और जो हमारी सुजुका मैडम जी हैं इनको सिल्वर मेडल मिला है और आज पूरा परिवार इनका जो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं बहुत खुश हैं बहुत गर्व कर रहे हैं। हमारे साथ तुलिका मान है जिन्होंने जूडो में सिल्वर मेडल जीता है। पहले सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है कि मेडल आया। हमारा जूडो का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि हमारे दो सिल्वर पहले दिन में एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज था और एक ब्रॉन्ज आया विजय मिला मैंने केवी से अपना स्कूलिंग करा है और ग्रेजुएशन अभी मैं डीडीयू गोरखपुर में हूँ। वहाँ से मेरा बीए क्लियर हुआ है। अभी एमए फर्स्ट ईयर में अभी आपके फैमिली में कौन कौन? मेरी फैमिली में मेरी मेरी माँ और मेरी एक छोटी बहन बहन कितना योगदान रहा आपकी माँ का इसमें? कितना माँ का ही सारा वो था क्योंकि उनके बिना मैं आ जाऊँ वहाँ नहीं हो पाती। आज मैं था इनकी वजह से। आपका नाम बेटा? कितनी खुशी हो रही है आपकी? एक सेकंड आजा, केक काट के ले आजा, केक मेल्ट हो जाएगा। करीब आप आ जा तुलिका माता, एक बार केक कटिंग करवा लेंगे। थैंक यू तुलिका, आ जा केक कट कर ले एक बार। भारत ने 61 मेडल जीते हैं इस बार। भारत पोजीशन में ये फोर्थ रैंक रही है कॉमनवेल्थ गेम्स। आज हम यहाँ पे तुलिका मान के रखे हैं, यहाँ पर उनका स्वागत हो रहा है। उन्होंने जूडो में सिल्वर मेडल जीता है और देश का नाम रोशन किया है। टोटल भारत ने 61 मेडल जीते हैं जिसमें 22 गोल्ड 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जीते हैं। सच न्यूज़ 24/7। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A2Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809966।
5448754436। वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com।